क्लास टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ पार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैंने पिछले तीन पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस किया था और जो लास्ट टॉपिक मैंने किया था थर्ड पार्ट में वो था पॉलिटिकल क्लब्स। देखो बेटा, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर ने एक क्लब बनाया जिसका नाम था जैकबिन क्लब्स। तो जैकबिन क्लब्स जो था उस टाइम पर लोग बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे और लुई XVI के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। तो उनके कुछ कंडीशंस थे और वो कंडीशंस उनके ये थे कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना चाहिए, सारी स्टेट्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, और जो डिस्क्रिमिनेशन है और जो प्रिवरेजेस मिलते हैं बाय बर्थ वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या था, जैकबिन क्लब उन्होंने फॉर्म किया और वो जैकबिन क्लब जो था वो बहुत सक्सेसफुल होने लगा। कैसे, लोगों ने उतने अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और उनकी यूनिटी इस तरीके से उभर के सामने आई कि उन्होंने, जिन लोगों ने उनके अगेंस्ट में बोलना शुरू किया था उस जैकबिन क्लब के अगेंस्ट में, उनको सप्रेस करना शुरू किया, कहीं ना कहीं वो लोग उनके आगे हार गए और जैकबिन क्लब जो है वो जो क्लब है वो कहीं ना कहीं अपनी बातें मनवाने के लिए सक्सेसफुल रहा। वही सब लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स एंड सो ऑन। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे नेशनल सिंबल ऑफ फ्रांस। नेशनल सिंबल ऑफ फ्रांस क्या था इस टॉपिक में, ये है कि जैकबिन क्लब जब फॉर्म हुआ, जो पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म हुए, उन्होंने कुछ सिंबल्स रखे जिसके थ्रू वो प्रोटेस्ट करते थे, यानी कि जो रैलीज निकालते थे या कह लो पोस्टर्स वो लेके चलते थे, तो उसमें उन्होंने कुछ सिंबल्स रखे हुए थे जो कि ये सिंबलाइज कर रहे थे कि उनकी कंडीशन क्या है और क्या वो चाहते हैं। उनकी डिमांड्स और उनकी कंडीशन को जो सिंबल्स हैं वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिनको हमने कहा नेशनल सिंबल ऑफ फ्रांस। जैसे कि ब्रोकन चेन, अब जो चेन यूज़ किया था वो ये शो करने के लिए यूज़ किया था कि वो जो हैं वो स्लेव्स बन के रह गए हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट के, तो उनके पैरों में बेड़ियां बांध दी हैं, वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जी ही नहीं सकते। तो जो वो ब्रोकन चेन का सिंबल था वो ये सिंबलाइज करता था कि बस अब बहुत हो गया, अब हम तुम्हारे अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे। एंड दैट ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, ठीक है। और एक बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेस था। अब वो क्या दिखा रहा था, देखो अकेली लकड़ी को अगर तोड़ना हो, बेटा आपने वो कहानी बचपन में सुनी होगी कि एक लकड़ी थी उसको तोड़ रहे थे तो वो बहुत ईजिली टूट रही थी, तो क्या हुआ एक लकड़ी का बंच तोड़ने लगे तो उसको बहुत टाइम लगा, तो वो जो बंच था या बंडल था वो रॉड्स का, वो जो साथ में वो सिंबलाइज कर रहे थे प्रोटेस्ट के टाइम पर, वो ये दिखा रहा था कि हम इस लकड़ी की तरह इकट्ठे हो गए हैं, अब हमें तोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल है और अब हम नहीं टूटेंगे और इसी यूनिटी के साथ हम तुम्हारे अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं और अपना प्रोटेस्ट करेंगे और अपने राइट्स को पाकर रहेंगे। आगे स्केप्टर था जो कि रॉयल पावर को सिंबलाइज कर रहा था। एक था स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फ्रॉम अ रिंग, एक देखो ये स्नेक बना हुआ है ना, स्नेक बाइट कर रहा है अपनी टेल को खुद ही, वो क्या था, रिंग हैज़ नो बिगनिंग और एंड, दिस इज़ द सिंबल ऑफ इटर्निटी। क्योंकि रिंग देखो राउंड है ना, तो कोई उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कोई उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये जो रिंग है ये सिंबलाइज कर रहा था इटर्निटी को। आई, एक ट्रायंगल बनाया हुआ था उसमें एक लाल रेडिएटिंग आई, मतलब आँखें, मतलब लाल पीली आँखें दिखाई दे रही थी, ठीक है, और खून से भरी आँखें जिसको कह सकते हैं। अब वो क्या था, द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, द लाइट ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। वो लाल आँखें कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के गुस्से को दिखा रही थी और वो ये दिखा रही थी कि बस अब उनकी आँखें खुल गई हैं, जो वो भ्रम में जी रहे थे, जो इतने साल तक गुलामी में रहे, इग्नोरेंट बन के रहे, वो इग्नोरेंट जो है, इग्नोरेंस जो है वो बिल्कुल चली गई है, अब वो अवेयर हो गए हैं और कहीं ना कहीं अब उनकी आंखें खुल गई हैं और उनको समझ आ गया है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत और उनको कैसे अपने हक जो है मांगने चाहिए और उनको उनके हक कैसे मिलेंगे। उसके बाद जो जैकबिन क्लब के लोग थे वो एक बेटा रेड कलर की कैप पहनते थे, ठीक है, और वो जो रेड कलर की कैप थी वो इस चीज़ का सिंबल थी कि अब हम फ्री हो गए हैं, अब हम किसी लोगों के स्लेव नहीं हैं, किसी सोशल स्ट्रक्चर के अंदर बंधे नहीं हुए, ना ही हम किसी के नौकर हैं और अब हम आज़ादी से जी रहे हैं, ना हम और हम इनकी जो बांटी हुई सोसाइटी है उनका पार्ट नहीं है, हम खुद में एक
सिंबलाइज्ड बॉडी है या एक अपने आप में एक पॉलिटिकल क्लब है, तो वो रेड कैप जो थी वो इसलिए पहनते थे ताकि वो सिंबलाइज कर रही थी कि वो अब स्लेव्स नहीं रहे, अब वो एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन गए हैं। और एक वो फ्रांस का ना नेशनल फ्लैग लेके चलते थे, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस ब्लू वाइट रेड, वो लेकर चलते थे और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे। और वो ये शो कर रहे थे उस फ्लैग से कि हम भी इसी कंट्री के सिटीजन हैं, हमारा भी इक्वल राइट है और ये कंट्री हमारी भी है, इस पे हमारा भी उतना ही हक है जितना कि बाकी लोगों का है। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल सिंप्लीफाइड सोशल साइंसेज बाय साक्षी शर्मा। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। इफ़ यू प्रेस द बेल आइकन यू विल ऑटोमेटिकली गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द लास्ट वीडियो एंड द कमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बी अलर्ट, सेव लाइव्स। थैंक यू सो मच।